दोस्तों, इन दिनों में जब हमें बाइबल पढ़ना होता है, हम अलग अलग काम में बिजी रहते या हमारे आलसी के कारण हम बाइबल को नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने जीभ से बाइबल को पढ़ी है। इनका नाम है विलियम मैकफर्सन। ये स्कॉटलैंड में खदान कर्मचारी है, यानी बड़े बड़े पत्थरों को डायनामिक बॉम्ब से तोड़कर उन्हें छोटे पत्थर बनाकर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे फील्ड में ये काम करते थे। 1863 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में डेनमार्क नामक जगह पर खदान के काम से गए थे। वहाँ पर ये काम करने लगे। इनकी सिंसियरिटी को देखकर वहाँ के ऑफिसर्स ने इन्हें सुपरवाइजर बनाया। एक दिन जब ये डायनामिक बॉम्ब सेट कर रहे थे तो उस समय उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उनके प्राण तो बच गए पर उनका मुंह पूरी तरह से जला था और उनके हाथ नष्ट हो गए थे और उन देख भी नहीं सकते थे। कई महीनों तक वो अस्पताल में अकेले रहे। उनके मन में विभिन्न प्रश्न आते थे कि भगवान ने ये मेरे साथ क्यों किया और ये दुर्घटना मेरे साथ क्यों घटी। इन सब प्रश्नों का वो उत्तर जानना चाहते थे। जब उनका डिस्चार्ज का समय आया तो उनसे पूछा गया कि आप किन के साथ रहते हो जो आपकी देखभाल रह सके। तो उन्होंने कहा, मैं अकेला रहता हूँ। वहाँ के डॉक्टरों ने इनकी देखभाल करने के लिए इन्हें डिजेबल हाउस में शिफ्ट किए। डिजेबल हाउस यानी जिनका कोई नहीं होता, जो अकेले होते हैं, ऐसे लोगों का पालन पोषण करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे हाउस को बनाते हैं कुछ कंट्रीज में। तो ये भी वहाँ पर रहने लगे। इनके मन में एक डिज़ायर आया, एक चाहत उत्पन्न हुई कि मुझे बाइबल पढ़ना है। पर ना ही उनको देखने के लिए आँख थे और ना ही स्पर्श करने के लिए हाथ थे। तो वो सोचने लगे कि मैं बाइबल को कैसे पढ़ पाऊँगा। तभी उनसे किसी ने कहा कि एक लड़की है जो कि बाइबल को अपने होठों से पढ़ती है, और वो जिस बाइबल को पढ़ती है वो बेली स्क्रिप्ट बाइबल है जो कि अंधे लोगों के लिए बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, उस होल्स को स्पर्श करके अक्षरों को समझा जाता है। तो विलियम मैकफर्सन ने भी इसे ट्राई किया पर उनके होठ उतने स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीभ से इस बाइबल को पढ़ने की कोशिश करूँ, और वो अपने जीभ से बाइबल को स्पर्श करके बाइबल को पढ़ना शुरू किए। और धीरे धीरे उन्हें एक एक अक्षर समझ में आ रहा था और वो इसी तरह बाइबल को पढ़ना कंटिन्यू रखे। कई बार दोस्तों, इस तरह बाइबल पढ़ने के कारण उनके जीभ से खून आता था, फिर भी वो एक दृढ़ संकल्प के साथ बाइबल को पढ़ने लगे। दोस्तों, वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ 64 ईयर्स जिए और उनके साथ ये दुर्घटना अपने यंग एज में घटा। इसके बीच में उन्होंने 4 बार पूरे बाइबल को पढ़ना कंप्लीट किया। दोस्तों, ये हम सब के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। भले उनके पास आँख नहीं था और हाथ नहीं थे, जो उनके पास था उससे वो बाइबल को पढ़ने के लिए प्रयत्न किए और वो सफल भी हुए। दोस्तों, हम जो अच्छे स्थिति में हैं, क्यों ना हम बाइबल को पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, बाइबल ना कोई ऐसी चरित्रकारी बुक है, पर यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का मन है। इससे पढ़ के परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हम जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।